गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन सभी नए लोगों के लिए है जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सब कुछ बताइए स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक कि एक यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या उसमें करते हैं, जैसे कि बनाते कैसे हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, कन्फिगर कैसे करते हैं, मोनिटाइज कैसे करते हैं, उसके बाद चैनल आर्ट फोटोग्राफ जो है उसका फ़ोटो, उसके बाद फिर एडसेंस लिंक कैसे करते हैं, एडसेंस अकाउंट में क्या क्या होता है, उस बैलेंस चेक कैसे करते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताया है इसमें। तो सबसे पहले आपको हम यूट्यूब चैनल बनाना सिखाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप youtube.com लॉगिन कर लें और यहाँ साइन इन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के लिए गूगल अकाउंट का, गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट का। जीमेल, गूगल, यूट्यूब सब एक ही गूगल का ही प्रोडक्ट है। आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट पर। आपको नया क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है जीमेल अकाउंट तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके एक बार क्रिएट कर लेंगे तो आप इसे एंटर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, और साइन इन करेंगे। जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो ये पेज आ जाएगा हमारे पास। अब नया चैनल बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा माई चैनल पे। माई चैनल पे क्लिक किया, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस नाम से चैनल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज के लिए मैं लिखना रखना चाहता हूँ ये चैनल का नाम CHTech ERNER। ठीक है, टेक लर्नर हिंदी। क्रिएट चैनल पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूँगा तो ये चैनल जो है हमारा टेक लर्नर हिंदी तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप एक फ़ोटो जो है आइकन कुछ पहले डाल लीजिए, अपने कंप्यूटर से जो एक लोगो रखना चाहते हैं तो लोगो डाल के आपको आपके लोगो के लिए यहाँ पर रिडायरेक्टर दिया जाएगा। आपको यहाँ से आप कुछ भी अपलोड कर लीजिए, सपोज कर लीजिए हम ये रखना चाहते हैं अगर, तो हम ये लोगो हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं यहाँ से जितना रखना चाहते हैं उतना, और डन कर लीजिए, वो लोगो हो जाएगा आपका। लोगो तैयार है। अब आपको थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा चैनल आर्ट, एक चीज़ होता है जो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जैसे आपने माई स्मार्ट सपोर्ट में देखा होगा ये चैनल आर्ट यहाँ पे कवर पे जाया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो ट्रायल के तौर पे अपना अपलोड कर सकते हैं खुद बना के, या फिर इस गैलरी में से चुन सकते हैं बेसिक। तो चलिए मैं एक बेसिक चैनल आर्ट जो है इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और डाल देता हूँ। अब आपको चैनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना होगा, किस चीज़ के बारे में चैनल है आपका। तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, टू इस फॉर ठीक है टेक ट्यूटोरियल्स करके सेव कर दिया मैंने। अब आपको जाना होगा वीडियो मैनेजर के अंदर बाकी सारी चीज़ें करने के लिए पूरी। सबसे पहले आप एक वीडियो अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अपलोड में जाके आप एक वीडियो बनाकर यहाँ पे क्लिक करने से अपलोड होता है, यहाँ पे जाके आप एक वीडियो जो है मैंने अपने ट्रेलर है चैनल का वो अपलोड कर देता हूँ। आप कुछ भी एक वीडियो लोड कर दीजिए। ठीक है, टाइटल यहाँ पे लिखते हैं कि किस चीज़ के बारे में वीडियो है। सपोज कर लीजिए कि दिस इज़ अबाउट हाउ टू प्ले गेम। ठीक है, फुटबॉल।
ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल होता है डिस्क्रिप्शन, इसमें डिटेल्स आप क्या लिखना चाहते हैं वो लिखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए ऑल कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पे टैग यानी कीवर्ड किस आपका जो वीडियो है किस चीज़ के बारे में है, जैसे तो फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसमें से कोई एक थंबनेल चूज़ कर सकते हैं, बाद में आपको कस्टम थंबनेल यानी आप जो चाहें वो भी यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा जब आपके पास कुछ वीडियोज़ हो जाएंगे, चैनल वेरीफाई कर लेंगे तो, ठीक है, और पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करेंगे तो वीडियो जो है लाइव हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे वीडियो मैनेजर पर मैंने ये वीडियो एक जो है अपलोड कर दिया, ठीक है। ये वीडियो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अब वीडियो कोई भी पब्लिक वॉच कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका मतलब, सिंबल का मतलब होता है कि पब्लिकली सबको विजिबल है, ठीक है। अब कुछ प्रोसेस करने होते हैं आगे आपको अपने चैनल पे, इसके बाद आप चैनल पर क्लिक कर लीजिए। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने चैनल को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपका आपसे कंट्री पूछा जाएगा, किस कंट्री के हैं आप, ठीक है। और आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अपना फ़ोन नंबर टेक्स्ट कोड से या फिर कॉल आएगा आपके फ़ोन पे, टेक्स्ट कोड बोला अपना फ़ोन नंबर यहाँ एंटर कर लीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ, अपना नंबर डालना होगा, नंबर डाल के आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा और उस मैसेज को वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डालना होगा। ये इसलिए कि करता है कि आपको कंफर्म करना चाहता है कि यही है वो आदमी या नहीं जो जिनका अकाउंट है। तो चलिए मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया है, मैं उसे एंटर करता हूँ। कोड है मेरा 15286528652865। और हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत से फीचर्स यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप मोनेटाइजेशन हमें एनेबल करना है, यानी अपने आपके वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट जो है वो आए, उसके लिए आपको मोनेटाइजेशन एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे एनेबल पर क्लिक कीजिए मोनेटाइजेशन और एनेबल माई अकाउंट, ठीक है। जैसे करेंगे तो टर्म्स कंडीशन आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए Enable my account, ये terms condition है, इसे पढ़ लीजिए, मतलब पढ़िए मत, ऐसे ही देख लीजिए और ये तीनों चेक कर लीजिए, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो ये सब ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मोनेटाइज कर लीजिए, यानी अब आपके वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए जाकर, ये देखिए डॉलर का सिंबल आ गया, यानी ऐड जो है आपके वीडियो पे अब आएगा, प्ले करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट आएगा। हो सकता है पहली बार ना आए, नए चैनल पे जल्दी एड्स नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया मोनेटाइजेशन अनेबल आपका। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको अप्लाई करना होता है, जो सेकेंड स्टेप है वो अप्लाई करना होता है आपको गूगल, आपके अकाउंट को, यूट्यूब अकाउंट को गूगल एडसेंस अकाउंट से अटैच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी से टोटल बिलिंग जो होता है एडसेंस अकाउंट से होता है आपका यूट्यूब का बिलिंग। तो उसे कहाँ से करते हैं, आपको बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अलग से गूगल एडसेंस अकाउंट खोल के उसमें से कैसे अप्लाई करना होगा, वैसा नहीं करते हैं। आपको गूगल एडसेंस अकाउंट से अगर आपको ये करना है, अटैच करना है, तो आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोनेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ, और जैसे ही आप मोनेटाइजेशन आपका अनेबल होगा, आपको मेल आ जाएगा यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट पेड, ठीक है। तो ये कहेगा आपको कि आपने अकाउंट को जो यूट्यूब अकाउंट है उससे एडसेंस अकाउंट से लिंक कर दीजिए, वहाँ से बिलिंग होगा और आपको पैसे मिलेंगे उससे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा। एडसेंस अकाउंट से यूट्यूब को अटैच करने के लिए आपको जाना होगा चैनल पे, क्लिक करना होगा चैनल पे, क्लिक कर मोनेटाइजेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा एक हाउ आई विल बी पेड, याद रखिए हाउ आई विल बी पेड, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा
देखिए करा पेमेंट जो होता है गूगल एडसेंस अकाउंट से दिया जाता है यूट्यूब का, तो एसोसिएट एंड एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब तो आप एडसेंस के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपके अकाउंट में कम से कम 10 वीडियोस होने चाहिए, 5 से 10 वीडियोस, 5 या 10, और उन सभी वीडियोस जो हैं वो ध्यान रहे उसके अंदर क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, उन वीडियोस में वायलेशन से रिलेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए, हैकिंग क्रैकिंग ये सब से रिलेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, उसके बाद आपके अपने कंटेंट होने चाहिए, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आप क्रिएट किए वो वीडियो, ठीक है, तो ही आपका अप्रूव होगा एडसेंस अकाउंट, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एडसेंस अकाउंट पे आ गया जहाँ पे गूगल और यूट्यूब का इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पे हम साइन इन करेंगे, ठीक है, साइन इन अपने उसी अकाउंट से कर लेंगे, आईडी से जो जीमेल अकाउंट है, क्योंकि गूगल एडसेंस जीमेल सभी एक वेबसाइट पूछा जा रहा है, तो वेबसाइट काम नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब का कर रहे हैं अपना, अपने आप खुद ब खुद वो ले लेगा आपका यूट्यूब चैनल जब यहाँ से आप जाएंगे, तो कंटिन्यू करिए, सेव एंड कंटिन्यू, आपसे कंट्री पूछा गया, कंट्री ले लिया वो, उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, टाइम जोन, आप जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट रखते हैं, इंडिविजुअल रखिए क्योंकि बिजनेस अकाउंट रखेंगे तो आप टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा आपको ज़्यादा, तो इंडिविजुअल अकाउंट बहुत अच्छा रहता है। एड्रेस यहाँ पे डालना होता है, ध्यान रहे एड्रेस जो है बहुत बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए वो पिन भेजता है, पोस्ट कार्ड भेजता है, ये डालकर आप जो है इसमें से ये ऑफर्स हैं इसे कोई ज़रूरत नहीं, आप नो भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर सबमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा आपको, एड्रेस जान रहे हैं सही रहे, सबमिट माई एप्लीकेशन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो जो एप्लीकेशन है जाएगा गूगल एडसेंस के टीम के पास, वहाँ वो लोग 24 आवर्स के अंदर आपके वीडियोस को देखेंगे, कैसा है, कैसे किस कैटेगरी के वीडियो डालते हैं, कैसे डालते हैं, अगर उन्हें ठीक लगा उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, जो मैंने कहा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप कॉपीराइटेड वीडियो नहीं डालते हैं, अगर आप वायलेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं, अगर आप पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं, अगर आप जो है हैकिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं, तो आपका अकाउंट जो वीडियो जो है वो सही माना जाएगा और आपके अकाउंट को अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 से 10 वीडियो होने चाहिए, कुछ व्यू भी हो जाने चाहिए, कम से कम 100 व्यू तो हो जाने चाहिए सब मिला के, ठीक है, नहीं तो इतना कुछ होने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए एडसेंस के लिए। अगर एक बार एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं भी हुआ तो दोबारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं ऐसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और आपको दूसरे अकाउंट में ले चलता हूँ इसके आगे की प्रोसेस बताने के लिए। और 24 घंटे के बाद आपको एक मेल आएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर अप्रूव हो गया होगा तो आप जो है यहाँ पे एडसेंस टाइप कीजिएगा गूगल में जाके और इस लिंक पे जाइएगा, वहाँ से आपको साइन इन करने के लिए कहा जाएगा, अपना ईमेल आईडी डाल के आप साइन इन कर लीजिएगा, जब साइन इन करेंगे तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने इंटर कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है आपको दिखाते हैं। अब आपको डेली की अर्निंग्स ये जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, ये 0-0 रहेगा, ये वेबसाइट से अर्निंग आता है वो दिखाता है यहाँ पे एक्चुअली, तो अर्निंग्स आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे आपके डेली के, एक बार अप्रूव हो जाएगा तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाइएगा, उसके बाद आपके अर्निंग्स जो है यहाँ डेली के दिखने लगे, नीचे जो है वो अर्निंग्स हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अब आपको करना क्या होगा, आपको इंतज़ार करना होगा $10 आपके इकट्ठे होने के लिए। अगर जैसे ही $10 इकट्ठा हो जाएगा आपके अकाउंट में तो यहाँ दिखाएगा आपको, $10 इकट्ठा होने के बाद गूगल एक पिन भेजेगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, पिन जो है आपको वेरीफाई, उसमें कोड रहता है, एक पोस्ट कार्ड रहता है उसमें पिन रहता है, उसको कोड को लेकर इंटर करना होता है आपको, इंटर कर देंगे आप तो आपका एक अकाउंट से होल्ड हट जाएगा। दूसरा चीज़ आपको यहाँ एड्रेस फील्ड डालना होगा, ठीक है, फिर पे प्रोफाइल, पेमेंट सेटिंग्स ये सब करना होगा आपको,
ठीक है ना, एड्रेस सब कुछ डालना होगा आपको, पेमेंट प्रोफाइल वगैरह जो है वो डालने के लिए पूछा जाएगा। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा ऐड अ पेमेंट मेथड। तो अब यहाँ पे आपको आपके बैंक का डिटेल, अकाउंट का डिटेल भी देना होगा। यहाँ पे आपका नाम एग्जैक्टली जो कि आपके बैंक में है, सेम स्पेलिंग बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, तो पेमेंट नहीं आएगा। बैंक का नाम जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटियाला स्टेट बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, उस आपके ब्रांच का आईएफएससी कोड, स्विफ्ट बीआईसी कोड, ये क्या होता है आप अपने बैंक वाले से मांग सकते हैं, बैंक से मांग सकते हैं कि बैंक स्विफ्ट कोड दे दीजिए, या फिर नेट पे आप सर्च करके स्विफ्ट कोड अपने ब्रांच का ले सकते हैं। बहुत से ब्रांच जो कि छोटे शहर में रहते हैं उनके पास स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं उनके, तो उस केस में आपको अपने कैपिटल स्टेट जो जिस स्टेट में रहते हैं उसके उस स्टेट के कैपिटल में जो मेन ब्रांच है या फिर कोई भी ब्रांच है उस बैंक का, उसी बैंक का जिसमें सपोज कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका किसी छोटे शहर में बिहार में अकाउंट है, तो आप पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना में बहुत से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीआईएससी कोड को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये करेंसी कन्वर्सन के लिए यूज़ होता है क्योंकि डॉलर पेमेंट को जो है ना रुपीज में प्रोसेस करना होता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बिल्कुल सही से ही अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होता है, दोबारा डालिए, ये दोनों कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर दीजिए, सेव कर देने के बाद जो है ये जो होल्ड है वो हट जाएगा, ठीक है, और ग्रीन हो जाएगा। और जब आप, याद रखिए, जब आपका अर्निंग जो है $100 हो जाएगा, ठीक है, ये $100 हो जाएगा, जिस दिन होगा अगले 21 तारीख को, सपोज कर लीजिए कि इस महीने में 10 तारीख को ही हो गया या फिर 2 तारीख को ही हो गया, जब भी होगा उस महीने के अगर 20 से पहले होता है तो आपको 21 तारीख को आपका पेमेंट भेज दिया जाता है, आपके अकाउंट में बैंक में आ जाएगा। तो भेजने के जैसे ही भेजेगा आपको मेल कर देगा वो, आपसे आपको कोई इस दौरान कभी भी आपसे फ़ोन से बातचीत नहीं होगा, गूगल के एम्प्लॉयज से केवल मेल से कॉन्टैक्ट होता है, और आपको मेल आया कि उन्होंने एक पेमेंट भेज दिया आपको। आप 2-4 दिन के अंदर जाके, आपके टाइम लगता है थोड़ा सा, 2-4 दिन के अंदर अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए, आपके अकाउंट में बिल्कुल वो पैसे आ जाएंगे। तो बस इतना ही कुछ करना होता है, सिंपल सी चीज़ है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और YouTube में बहुत कुछ है जो कि आप बताने के लिए, आपको अकाउंट बनाने से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम बहुत से वीडियोस जो है एक नए यूट्यूबर के लिए में को क्या सीखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्यूज़ होते हैं ज़्यादा, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या फिर कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बहुत से टिप्स देंगे। वीडियो चैनल पे कंटिन्यू करते रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कीप वॉचिंग।